पैसा बांटने कैबिनेट मंत्री का वाहन हुआ जब्त। बीती रात की घटना, पर्चों के साथ नोट बांटने का आरोप। पैसों से भरे बैग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मानपुर क्षेत्र की विधायक और कैबिनेट मंत्री मीना सिंह का वाहन। अभ्यर्थियों की सतर्कता से ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उमरिया से, जहां पैसा देते हुए पकड़ा गया है वाहन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उमरिया से, पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची। वोटरों को पैसा बांटते कैबिनेट मंत्री का वाहन हुआ जब्त। इस वक्त की बड़ी खबर उमरिया से आ रही है, जहां बीती रात की घटना बताई जा रही है। पर्चों के साथ नोट बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर उमरिया से आ रही है, जहां मानपुर क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री मीना सिंह का ये वाहन बताया जा रहा है, ये उनकी गाड़ी बताई जा रही है। अभ्यर्थियों की सतर्कता से ग्रामीणों ने पकड़ा है वाहन को है। पुलिस को मौके पर सूचना दी गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वोटरों को पैसा बांटते हुए कैबिनेट मंत्री की गाड़ी पकड़ी गई है। बीती रात की घटना बताई जा रही है। पर्चों के साथ साथ नोट बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे संवाददाता हीरा सिंह, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पर्चों के साथ नोट बांटने का वीडियो जो उमरिया से वायरल हो रहा है, क्या पूरी जानकारी निकल कर सामने आ रही है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नगरीय निकाय के दूसरे चरण में आज वोटिंग होनी है मानपुर नगर परिषद की, जो अभी 8 महीने पहले ही घोषित हुई है, जहां मानपुर विधायक का भी है और कैबिनेट आदिम जाति कल्याण विभाग की कैबिनेट मंत्री हैं सुश्री मीना सिंह ने, उनका एक कल सुबह 3:30 बजे का यह वीडियो बताया जा रहा है जो वायरल हुआ है, जिसमें वह नोट बांटते दिख रही हैं। पर्चों के साथ उन्होंने नोट बांटे हैं। इस दौरान जो स्थानीय ग्रामीण थे और अन्य पार्टियों से जो उम्मीदवार थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान पुलिस और तहसीलदार दोनों मौके पर पहुंचे और उनकी गाड़ी और उनका एक गनमैन और उसमें जो समथिंग जो बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए भी जब्त हुए हैं पर्चों के साथ में, और तहसीलदार ने बकायदे इसमें पंचनामा बनाया है। पुलिस ने उनके वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसमें अब दूसरी बात ये भी आ रही है कि कैबिनेट मंत्री पर हमले की जो बात अभी आज सुबह से उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, लिखित में एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में कि उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन यह सोचनीय विषय है कि कैबिनेट मंत्री होने के नाते उनके साथ फॉलो वाहन रहता है, 4-7 गार्ड रहते हैं और उन पर हमला होना, मतलब यह किसी को बात पच नहीं रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर उमरिया से आ रही थी, जहां पर्चों के साथ नोट बांटने का मामला सामने आ रहा है। पीछे पैसा रहा नहीं, एक बैग में पीछे से नहीं खुली, बाहर निकालिए बैग। अब बैग यहाँ रुकेंगे।